All right, I think I'm live. Yes, I think I'm live. Yes, I'm live. So good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing good. I hope all of you are doing great. Yes, good evening. Good evening, everyone. जितने भी लोग यहां पर हैं अभी जितने भी लोग इसको बाद में देखेंगे आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार और स्वागत गुड इवनिंग चलो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन तो बेसिकली हम लोग यहां पर किस चीज के बारे में बात करने के लिए हम लोग यहां पर सीए इंटरमीडिएट सेबर ट्वेंटी फोर के लिए आपकी अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी थर्टींथ ऑफ जुलाई एंड इट ड मैटर आप इसको बाद में कभी भी देख सकते हो आ, मतलब अगर कोई बाद में भी देख रहा है इसको तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे अब मैं कैसे करूंगा वगैरह वगैरह यू वरी अबाउट इट जो भी चीजें मैं यहां पर बताऊंगा बहुत जनरल चीजें होंगी और आप कभी भी देखकर उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है एकदम पिन पॉइंट बेसिस पर हम लोग यहां पर बात करेंगे आ, उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके बारे में भी बात करेंगे जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है हम हर तरह के स्टूडेंट के बारे में यहां पर बात करेंगे और हर तरह के स्टूडेंट को यहां पर कवर करते हुए चलेंगे ठीक है सबसे पहली बात हमारे पास दो टाइप के लोगों की प्रॉब्लम आती है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप है अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो हो सकता है क्लासेस चल रही हो कैसे करना है सेम सेम सिंगल ग्रुप एंड रिविजन ठीक है ये उन लोगों के लिए है जो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं राइट नेक्स्ट जो पहला अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं अब आपका ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है इट ड मैटर ठीक है एंड वाई एम सेइंग इट डजेंट मैटर बिकॉज इट ट्रूली डजेंट मैटर क्योंकि अगर आपका दूसरा तीसरा चौथा कोई भी अटेम्प्ट हो इट्स लाइक like कि आपका पहला अटेम्प्ट तो नहीं है ठीक है तो बिल्कुल अपने आप को ना ऐसा मत सोचना कि अरे यार मेरा तो चौथा अटेम्प्ट है अरे यार मेरा तो पांचवा अटेम्प्ट है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ठीक है पहला अटेम्प्ट नहीं है ना बल्कि इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि आपका जो जितना भी अटेम्प्ट है दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपका अटेम्प्ट है आपको उसको पहले अटेम्प्ट की तरह से ही इज्जत देकर मान के चलना चाहिए anyway, बट एनी बात करते हैं ठीक है तो अगर आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आएंगे क्लासेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए रिवीजन कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह एक एक करके हम लोग बात करते हैं पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे अब आपके सामने सवाल आएगा कि सर हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोध ग्रुप देना चाहिए ठीक है सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप मैं एकदम कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको सिंगल देना चाहिए या बोथ देना चाहिए और आपको असेस करना है ये अपने बेसिस पर ठीक है आई कैटेगराइज द स्टूडेंट यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और उस कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो अभी आपको यहां पर डिटर्मिन करना होगा राइट right? तो सबसे पहली बात यू हैव फिफ्टीन डेज टू टेक द डिसीजन राइट सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स आपके पास पंद्रह दिन है पंद्रह से एक दो दिन ज्यादा ही होंगे क्योंकि जुलाई में थर्टी वन डेज होते हैं मैंने ऐसे मोटा मोटी पंद्रह दिन मान के चल दिया है ठीक है एंड ऑफ जुलाई तक आपको हर हालत में अपना डिसीजन लेना है ठीक है एग्जाम का फॉर्म आने से पहले पहले हर हालत में आपको अपना डिसीजन लेना है एग्जाम का फॉर्म जब भी आएगा देखा जाएगा राइट और right. तो अब सेकेंड ग्रुप या दूसरा ग्रुप ठीक है कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले वो सेकेंड ग्रुप देते हैं और उसके बाद वो फर्स्ट ग्रुप देते हैं ठीक है तो मेरा जब मैं सेकेंड ग्रुप बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप आप दे रहे वाले हो और दूसरे ग्रुप के बारे में आप सोच रहे हो ठीक है यू मे बी एब्सलूटली श्योर इन द सेकेंड ग्रुप यू मे बी अ लिटिल बिट अनश्योर इन द फर्स्ट ग्रुप यू मे बी एब्सोलूटली श्योर इन द फर्स्ट ग्रुप बट यू मे बी अ लिटिल अनश्योर अबाउट द सेकेंड ग्रुप

चारों पेपर्स एक्चुअली चार नहीं होगा तीन पेपर्स होगा तो आप फर्स्ट जुलाई हो, right? हो तो से पहले पहले सेकंड ग्रुप के तीनों पेपर्स के मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे ठीक है हो सकता है फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप थर्टी जुलाई तक फर्स्ट ग्रुप के तीनों पेपर्स के मॉक टेस्ट पेपर दोगे अब सुनो मेरी बात मॉक टेस्ट पेपर आपको कहां से मिलेंगे ICAI की की वेबसाइट वेबसाइट से से बहुत आराम मिल जाएंगे लाइव लाइव जब आप अपने ICAI की पर BOS पर जाओगे तो वहां पर आपको अपना सीआरओ नंबर डालने के लिए बोला जाता है सीआरओ डालना होता है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है आपके पास पूरा बीओ लाइव का पोर्टल खुल जाता है वहां से आप मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करके दे सकते हो राइट right? क्योंकि अब अटेम्प्ट वाला कोई पंगा है नहीं अब कोई नया सिलेबस वाला पंगा है नहीं तो जो सिलेबस जैसा पेपर पैटर्न मई में, में आया था वैसा ही सिलेबस वैसा ही पेपर पैटर्न अभी सितंबर के लिए भी होने वाला है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है राइट right? तो मई वाले मॉक टेस्ट को भी आप सेप्टेंबर वाले एग्जाम के लिए बहुत आराम से टेकअप कर सकते हो उसके बेसिस पर आप प्रेपरेशन अपनी कर सकते हो राइट right? अब करना क्या है आपको एक एक मॉक टेस्ट पेपर देना है तीनों पेपर्स का उस ग्रुप के जिस ग्रुप में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई नाउ हियर कम्स द स्ट्रिक्ट पोर्शन यहां पर अब आपको अपने आप को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होना है ठीक है व्हेन आई एम दैट यू अ मॉक टेस्ट पेपर यू हैव टू सेट अ प्रॉपर स्टडी एनवायरमेंट ठीक है आपको प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट बनाना होगा और आपको यह देखना होगा ही खाना वाना खा के डेढ़ बजे से पहले खत्म कर चुका होता था क्योंकि एग्जाम हॉल में दो बजे से पांच बजे तक का पेपर होता है तो मैं जब मॉक टेस्ट पेपर भी देता था तो मैं ऐसा माहौल बनाता था घर पे फोन वगैरह किसी को देकर दो से पांच में यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर दूंगा ठीक है तो बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ आपको अपने आपको इतनी खराब और स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी है कि आपको अपने आप से कोई प्यार नहीं होना चाहिए उसके बावजूद अगर आपका तीनों पेपर्स में 70 प्लस आ जाता है तो आप सोच सकते हो कि आपको दूसरा ग्रुप देना है या नहीं ठीक है अगेन क्लैरिफाइंग वन मोर थिंग 70 से एक मार्क भी कम नहीं चलेगा 69 नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है सेवेंटी या सेवेंटी से ऊपर अगर आपके आ गए तो फिर आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोच सकते हो एंड अगेन आई एम दूसरा ग्रुप आई I मीन mean, या तो पहला या तो दूसरा ठीक है तो एक ग्रुप तो आपको देना ही देना है सितंबर 24 में दूसरा ग्रुप साथ में देना है या नहीं देना है वो डिटरमिन होगा कि जुलाई एंड से पहले पहले आप तीनों पेपर्स के मॉक टेस्ट दोगे और उन तीनों मॉक टेस्ट में अगर आपके 70 से ऊपर आ गए देन यू मे कंसीडर गोइंग फॉर द अदर ग्रुप एज वेल राइट आई थिंक ये कॉमन सेंस है कि अगर दूसरे ग्रुप की तैयारी आपने अभी तक बिल्कुल भी शुरू नहीं की है तो आप उसको एक महीने में तो उठाओगे नहीं ठीक है ये वाला सवाल ही उन लोगों के लिए आ रहा है जिन लोगों ने बोथ ग्रुप की तैयारी कर रखी है दोनों ग्रुप्स में थोड़ा थोड़ा सा वो कंफ्यूज है और दोनों ग्रुप्स करना भी चाहते हैं और नहीं भी कर पा रहे हैं या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है अगर कोई स्टूडेंट यहां पर ऐसा है जिसने सपोज अभी दो महीने पहले पढ़ाई शुरू की और उसने एक ही ग्रुप की क्लासेस करनी शुरू की तो अब वो अगर सोच रहा है कि मैं सिर्फ एक महीने में दूसरा ग्रुप भी उठा लूंगा और दूसरे ग्रुप के सारे पेपर्स के थोड़ा 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 पढ़ लूंगा जिससे मेरे को पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे एग्रीगेट का सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा तो भाई ये बेवकूफी प्लीज बिल्कुल मत करना बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट किया है और मैं उनमें से खुद एक हूं ठीक है कि अब एग्जाम का एक महीना बचा है एक एक ग्रुप में मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं दूसरे ग्रुप के चलो चारों पेपर्स उठा लिए तीनों पेपर्स उठा लिए उनमें से थोड़ा 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 पढ़ना शुरू किया किसी दोस्त से पूछ लिया कि बता दो यार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ के चला जाता हूं किसी और टीचर से पूछ रहा है कि बता दो यार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस यही यही पढ़ के चला जाता हूं हार्ड ट्रूथ मैं बोल रहा हूं एकदम आई एम स्पिटिंग आउट बिटर फैक्ट्स ठीक है तो ये वो सारे लोग बताएंगे जो चोट खाए हुए हैं जो ये सारी चीजें कर चुके हैं और उसके बाद मुश्किल से गुजर रहे हैं राइट सो द थिंग इज के अगर आपकी पढ़ाई दूसरे ग्रुप की बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है तो थिंकिंग अबाउट अनदर ग्रुप इन द बिगिनिंग ऑफ ऑगस्ट इज शेयर स्टुपिडिटी और उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा राइट right? हाँ अगर आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो थोड़ा थोड़ा आप दोनों ग्रुप्स में सक्षम हो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं दोनों ग्रुप्स को मैनेज कर पाऊंगा तो फिर उसके लिए मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है थर्टी जुलाई से पहले पहले जिस भी ग्रुप में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जिस भी ग्रुप में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस ग्रुप के तीनों तीनों सब्जेक्ट्स के आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे अगर तीनों में यू आर एबल टू स्कोर सेवेंटी और सेवनटी प्लस देन यू कैन इवन थिंक अबाउट देन यू कैन एटलीस्ट थिंक अबाउट अदर ग्रुप इज वेल अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू गो फॉर बोथ है यू गो फॉर ओनली अगल ग्रुप क्या यह बात क्लियर हो रही है जल्दी बताओ मुझे क्या यह बात क्लियर हो रही है जल्दी जल्दी बताइए लक्ष्मी कह रही है लक्ष्मी ये सारी चीजों से आपको बहुत दूर रहना है आपको याद होगा अंशुल सर और दर्शन सर उस में सीए बने जिसमें वन परसेंट का रिजल्ट गया था राइट तो इट रियली मैटर के इंस्टीट्यूट रिजल्ट कितना दे रहा है इंस्टीट्यूट कितना रिजल्ट नहीं दे रहा इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा था फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स क्यों आए कई सारे स्टूडेंट्स फेल क्यों हुए ठीक है रिजल्ट पासिंग परसेंटेज डू नॉट डिटर्मिन योर रिजल्ट राइट द पासिंग परसेंटेज सेट बाई दी ए डज नॉट कैन नॉट विल नॉट विल नेवर एवर डिटर्मिन वेदर यू आर गोइंग टू पास नॉट ठीक है ये बात एकदम क्लियर तरीके से समझ लो ठीक है ये बात एकदम क्लियर तरीके से आप लोग समझ लो कि ये चीज तो आपको बिल्कुल भी मतलब इस चीज से आपको फर्क पड़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट अगर आपका स्कोर 70 से कम आया किसी भी एक भी पेपर में तो फिर आप लोगों को बोथ ग्रुप्स के बारे में नहीं सोचना होगा राइट उन पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो एक दूसरा मॉक टेस्ट दो थर्टी जुलाई से पहले अगर सेवेंटी के ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप बोथ ग्रुप्स के लिए सोच सकते हो अदरवाइज नहीं ठीक है कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर मैं एक ग्रुप दे देता हूं सपोज मैंने ग्रुप वन दिया ग्रुप वन के मैंने अकाउंट्स लॉ और टैक्सेशन मैंने कर लिया दूसरे ग्रुप में सर एक पेपर ना मेरा काफी अच्छा है सर ऑडिट अरे वाह सर ऑडिट मतलब दूसरे पेपर दूसरे ग्रुप का मैं ऑडिट उठा लेता हूं और दूसरे ग्रुप में ऑडिट में मेरे सिक्सटी प्लस में ले आऊंगा और मुझे डिस्टिंक्शन आ जाएगा फिर नेक्स्ट अटेम्प में मुझे ऑडिट नहीं देना पड़ेगा जस्ट गिविंग यू एन ऑडिट एज एन एग्जाम्पल राइट भाई ये गलती भी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये क्योंकि इससे आपका जो फोकस है वो डिविएट हो जाता है अब होता क्या है? मैं आपको बता देता हूं आप ग्रुप वन की तैयारी अच्छे से करोगे आपने ग्रुप टू में सपोज ऑडिट उठाया ऑडिट पढ़ते पढ़ते आप लोगों को मजा आने लग जाएगा फिर आपकी एक्सपेक्टेशन 60 की नहीं रहेगी फिर आपको लगेगा नहीं अब तो मैं ऑडिट में 80 ले आऊंगा और मैं बाकी दोनों पेपर्स जो ग्रुप टू के हैं उनको भी उठा लेता हूं और उनमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगा 40 40 उनमें भी ले आऊंगा और मेरे बोथ ग्रुप्स के क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो यह गलती बिल्कुल मत करना जितना टाइम और एनर्जी आप ये दूसरे ग्रुप में इन्वेस्ट करोगे वो वेस्ट होगा उत, उससे बेहतर है कि उतना ही टाइम और टाइम और एनर्जी आप पहले ग्रुप में या जो भी ग्रुप में जिस भी ग्रुप में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस ग्रुप की तैयारी के लिए आप करो उससे होगा क्या आपके उस ग्रुप की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी और आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी सी इट ड मैटर आपको अगला अटेम्प तो देना ही है तो इट ड मैटर अगर आपको दो पेपर देना या तीन पेपर देना इट्सिपल इज दैट राइट right? तो अगर आप ऐसा कर भी लेते हो कि ग्रुप वन दे दिया प्लस एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के दे दिए तो इट पॉन्ट मेक एनी डिफरेंस राइट right? उल्टा आप थोड़े से कंफ्यूज ही हो जाओगे इधर उधर भट, भटकोगे और कुछ भी नहीं है ठीक है आई पर्सनली नो नो स्टोरीज एट ऑल जिसमें किसी ने ऐसा किया हो कि ग्रुप वन प्लस एक आध सब्जेक्ट उठाया हो और उसका सक्सेस आया हो दूसरे वाले ग्रुप के उस वाले पर्टिकुलर पेपर पे ठीक है तो ये अब बिग नो है बिल्कुल भी नहीं करना है एक बात अपने दिमाग में रख लेना

ठीक है कई सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई तू तो पढ़ा रहे तू क्या ज्ञान दे रहा है इस बारे में ठीक है जो बोथ ग्रुप्स वाले होते हैं ना उनकी जॉब मार्केट में वैल्यू बहुत होती है झूठ है बिल्कुल झूठ है ठीक है आई नो अ अट ऑफ फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिंगल ग्रुप करके उन्होंने बिग फोर में आर्टिकलशिप भी की है जिन्होंने सिंगल ग्रुप करने के बाद सिंगल सिंगल ग्रुप में सीए फाइनल करने के बाद भी बिग फोर में बढ़िया जॉब सिक्योर किया ठीक है तो ये जो अटेम्प वाली चीज होती है या ये जो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स वाली चीज होती है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म फेम वाली चीज होती है बहुत एक्सेसिवली शॉर्ट टर्म फेम दो दिन लोग आपकी तारीफ करेंगे तीसरे दिन आपको कोई याद भी नहीं रखेगा ठीक है लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो फिर आपको सोच समझ के अपने हिसाब से डिसीजन लेना होगा कि आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना है या आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है व्हाट मैटर्स इज दैट यू बिकम अ सीए एज सून एज पॉसिबल ठीक है वट मैटर्स इज दैट यू बिकम अ सी एज सुन एज पॉसिबल राइट ना कि आप बोध ग्रुप्स के दलदल दल में फंसे रहो और अटेंट्स पे अटेंट्स देते रहो वो अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है राइट right? अब अगर कोई यहां पर फर्स्ट ग्रुप पे है और फर्स्ट अटेम्प है और उसको बोथ ग्रुप्स देना है तो उसकी स्टडी स्ट्रेटजी क्या होने है? क्या होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो बोथ ग्रुप्स ही देना है अब मुझे आप इसकी स्टडी स्ट्रेटजी बता दो तो वो मैं आपको बता देता हूं दो चीजें हो सकती हैं एक आपकी कोचिंग अभी भी चल रही है दूसरी आपकी कोचिंग अभी खत्म हो चुकी है ठीक है अगर आपकी कोचिंग अभी भी चल रही है तो देखो आपके दिन का ब्रेकअप क्या होने वाला है आप आठ घंटा सोगे तीन सब्जेक्ट से आपके दो दो घंटे दो दो घंटे की आपकी क्लासेस चलेंगी ऑन एन एवरेज में कह सकता हूं छह घंटा आपके क्लासेस में जा रहे हैं हर क्लास के बीच में पंद्रह पंद्रह मिनट का ब्रेक होगा मैं मान ले रहा हूं एक घंटा आपका क्लासेस के बीच के ब्रेक्स में जा रहा है उसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ाई वढ़ाई करोगे नहाने खाने पीने में दो घंटा मैं और निकाल दे रहा हूं ठीक है और रिमेनिंग अब आपके पास बचते हैं सात घंटे ठीक है अगेन दिस इज अ टाइम देन व्हेन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ ठीक है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपको अपने साथ होना पड़ेगा आपको अपना जो पूरा डे का शेड्यूल है बहुत प्रॉपरली उसको बनाते रहना पड़ेगा राइट तो आपके सोने का टाइम निकाल दिया खाने पीने का टाइम निकाल दिया ब्रेक्स का टाइम निकाल दिया और क्लासेस का टाइम निकाल दिया अब आपके पास बचते हैं सात घंटे राइट अब इन सात घंटों में आपको एक ग्रुप जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है उसको भी रिवाइज करना है और जो दूसरा ग्रुप है जिसकी क्लासेस अभी चल रही है, उसको भी रिवाइज करना है तो इसमें ब्रेकअप कैसे होगा इसमें चार घंटे आप चार घंटे आप रखोगे टू रिवाइज दी ऑनगोइंग ग्रुप जिस ग्रुप की क्लासेस आपकी चल रही हैं, उस ग्रुप को रिवाइज करने के लिए आप चार घंटे रखोगे और जो बचे हुए तीन घंटे होंगे उनमें आप जो ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है उसका रिवीजन करोगे राइट जरूरत अगर आपको लग रही है तो इंक्रीज करो पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स ठीक है क्लास ड्यूरेशन कम कर सकते हो आप 2x वगैरह पर देख के 1.5x वगैरह पर देख के स्लीप ड्यूरेशन 8 घंटे की जगह हो सकता है आप 7 घंटे सोना शुरू कर दो तो इवेंचुअली इस तरह से आप अपनी पढ़ाई का टाइम ज्यादा कर सकते हो ठीक है बोथ ग्रुप्स में वाकई इतना एफर्ट तो लगता ही है सच्ची बात बता रहा हूं एकदम कोई झूठ बात नहीं होने वाली है यहां पर पूरी की पूरी एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर है और एकदम सारी की सारी सच्ची बातें मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं ठीक है आगे चलते हैं अगर आपकी कोचिंग ओवर हो चुकी है तो फिर आपको सिर्फ रिविजन करना है आपको क्लासेस वगैरह तो करनी नहीं है आप एक दिन में सिर्फ एक ग्रुप उठाओगे ठीक है हफ्ते में सात दिन हो गए आप ऑल्टरनेट डेज ऑल्टरनेट ग्रुप्स को लोगे

जो टीचर्स ने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है आपको उससे ही पढ़ना है इस समय कोई नया समरी नोट कोई नया टेलीग्राम चैनल कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप कोई नय, कोई नई क्विज ये वो कुछ नहीं करना है हां लेकिन अगर आपके टीचर ही आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो ठीक है तो अगर जिन भी टीचर से आपने पढ़ाई की है वो टीचर ही आपको कोई एडिशनल समरी मटीरियल समरी मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या वो कुछ रिविजनरी क्लासेस ले रहे हैं या वो कुछ ऐसा ऑडियो रिविजन सीरीज कर रहे हैं या वो कुछ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप का डाल रहे हैं तो वो चलेगा ठीक है जिन टीचर से आपने पढ़ाई की है अगर वो टीचर लास्ट मिनट टिप्स के बेसिस पर या लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन के बेसिस पर कुछ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट तो इज एब्सोल्युटली फाइन लेकिन जिन टीचर से आपने पढ़ाई नहीं की है या जिस या जिस स्टूडेंट आपका कोई भी इधर उधर का दोस्त जो दूसरी कोचिंग से पढ़ के आया है और वो आपको बता रहे हैं कि भाई मेरे वाले नोट तेरे वाले नोट से बेटे ने तू ऐसा कर ले वैसा कर ले वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है यहां पर मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैंने किसी एक पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लिया है यहां पर मैं साफ कह रहा हूं जिस भी टीचर से आपने पढ़ाई की है आपको उन टीचर के मटेरियल्स को फॉलो करना है ठीक है ये बात हो गई अब जब आप अभी रिवाइज कर रहे हो ना तो साथ ही साथ आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने जिन्हें आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करोगे राइट तो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि यार अब क्या करें बिकॉज ऑफ सिलेबस में नहीं आ रहा कि अब क्या करें तो एग्जाम से एक दिन पहले की जो तैयारी है ना वो आपको अभी से करनी है सी एकदम सिंपल सा लॉजिक है एग्जाम की तैयारी आप कब करते हो एग्जाम से एक दिन पहले राइट right? कि कल एग्जाम है भाई आज पढ़ लेता है राइट right? तो एग्जाम से एक दिन पहले की तैयारी आपको इतने सारे महीनों में करते हुए चलती रहनी होती है ठीक है तो अभी ये वा, वा, वो वाला टाइम है कि अब आपको एग्जाम से एक दिन पहले की तैयारी करनी है तो जब आप अभी रिवाइज करते रहोगे तो आप साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते रहोगे जिससे आप इन पॉइंट को इन क्वेश्चन को एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर पाओ राइट मॉक टेस्ट पेपर्स लगातार लेते रहो सारे के सारे जो छह पेपर्स हैं उनके आपको एटलीस्ट तीन तीन मॉक टेस्ट पेपर्स लेने होंगे ठीक है तो वैसे अब आपके लिए तो चार होने चाहिए क्योंकि मे अटेम्प्ट के लिए दो मॉक टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी पढ़े हुए वेबसाइट पर उनको डाउनलोड कर लो फटाफट से अटेम्प्ट से। के लिए मेरे ख्याल से दो मॉक टेस्ट पेपर्स और आने होंगे नहीं तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट एक एक सेट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स तो निकालेगा ही निकालेगा तो वो भी आपको डेफिनेटली करना होगा ठीक है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ठीक है तो दो प्रॉब्लम आ सकती है रिविजन और बैकलॉग्स ठीक है क्यों आपके मन में आया होगा सिंगल ग्रुप देना मेरे ख्याल से अभी क्लासेस चल रही होंगी अगर अभी क्लासेस नहीं चल रही है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है जैसे आप रिवीजन कर रहे हो वैसे आप रिवीजन आराम से करते रहो ठीक है लेकिन अगर आपका पहला अटेम्प्ट है और आप सिंगल ग्रुप के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बस यही दो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी क्लासेस चल रही है उन क्लासेस का बैकलॉग है और आपको लग रहा है कि सर अब ये बैकलॉग भी कवर करना है और रिविजन भी कवर करना है एम आई राइट टिल नाउ ठीक है सही कह, सही कह रहा हूं मैं ठीक है चल अब हम लोग बात करते हैं यहां पर रिविजन स्ट्रैटेजी के बारे में तो आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट द रिविजन स्ट्रैटेजी इन माय प्रीवियस वीडियोस मैं पिछले कई सारे सालों से बोलता आ रहा हूं अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको डेफिनेटली पता होगी लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो और रहा वाले वीडियो देख रहे हो तो रिविजन स्ट्रेटजी के बारे में ध्यान से सुनना कोई भी चीज जब आप पहली बार पढ़ते हो तो उसका पहला रिविजन होना चाहिए विद इन ट्वेंटी आवर्स नेक्स्ट रिविजन उसका होना चाहिए विद इन थ्री डेज फ्रॉम द फर्स्ट रिविजन एंड हर बार अब हर छे दिन बाद उसका रिविजन होना चाहिए मतलब हर सातवें दिन अब उसका रिविजन होना चाहिए अब यहां पर कई सारे सवाल आते हैं कि सर इतना सारा ऐसे कैसे रिविजन वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है जब भी आप रिवाइज करते हो ना तो द टाइम टेकन टू रिवाइज ड्रास्टिकली विद एवरी रिविजन ठीक है और इसमें आप इस तरह से सोचो कि जब आपने एबीसीडी सीखा था तो ए टू जेड सीखने में आपको कितना टाइम लगा था और आज आप पांच सेकंड के अंदर अंदर e, पूरा का पूरा रिसाइड कर सकते हो ठीक है क्यों हुआ ये मल्टीपल रिविजन की वजह से हुआ राइट तो कोई भी चीज जब आप बार 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 रिवाइज करोगे तो एवरी टाइम यू रिवाइज दैट थिंग टाइम टेकन टू रिवाइज विल रिड्यूस ड्रास्टिकली एंड दिस रिवीजन स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो फॉर ऑल द पेपर्स ठीक है आपको सारे के सारे पेपर्स के लिए वाली रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है

सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सपोज आज आपने कोई चीज पढ़ी से मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं से आज आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा का पूरा पढ़ा अब आज आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है उसका पहला रिविजन होना चाहिए कल राइट तो आज है तेरह जुलाई तो कल की तारीख में उसका रिविजन होना चाहिए यहां पर आप क्रिएट पर क्लिक करोगे इवेंट पर आओगे और यहां पर हम लोग डालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है इसमें यहां पर टाइम में मैं डाल दूंगा फोर्टीन ऑफ जुलाई फोर्टीन ऑफ जुलाई और ये जो टाइम होगा इसमें मैं डाल दूंगा सुबह छह बजे का टाइम ठीक है इसमें मैं डाल दूंगा सुबह छह बजे का टाइम रिपीट पे अभी करने दो और इसको सेव कर दो ठीक है अब कल सुबह छह बजे आपके फोन में रिमाइंडर आ जाएगा कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करना है इट रियली मैटर वेदर यू रिवाइज इट एट सिक्स ए एम इन द मॉर्निंग और नॉट हो सकता है आप सुबह छह बजे उठते भी ना हो चल देगा बिल्कुल चलेगा फिर भी मैं सुबह छह बजे का टाइम क्यों सेट करा रहा हूं क्योंकि जब भी आप सो उठोगे एटलीस्ट आपके फोन में ये नोटिफिकेशन आ चुका होगा कि भाई आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है राइट तो जब भी आप उसको रिवाइज कर लोगे आप उसको मार्क एज डन कर दोगे और वो नोटिफिकेशन आपके पास से स्लाइड आउट हो जाएगा राइट ये तो हो गया पहला रिवीजन अब आपको तीन दिन बाद इसका रिवीजन करना है पंद्रह सोलह सत्रह छोड़ दोगे अट्ठारह तारीख को अब इसका रिवीजन करना है मैं अट्ठारह तारीख को फिर से एक इवेंट क्रिएट करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है मैंने किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हो गया आपका अठारह तारीख का ऑल डे नहीं इसमें मैंने टाइम सेट किया टाइम वही मैं सुबह छह बजे का टाइम सेट करूंगा ठीक है सेट सुबह छह बजे का टाइम और अब यहां रिपीट पर क्लिक करूंगा और इसमें मैं कर दूंगा वीकली पर जब मैं वीकली पर क्लिक करके सेव करूंगा तो आप देखो हर हफ्ते ये सुबह छह बजे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन करने का आपको रिमाइंडर दे देगा इस तरह से जो जो आप पढ़ो उसका रिविजन प्लानर आप ऐसे बना लो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मैटर कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है मैटर्स इज कि जो आपने पढ़ा है वो आप आप रिवाइज कितनी बार बार कर रहे हो और आप एक बार खुद सोचो ये बात एकदम प्रैक्टिकली सोचना मेरे कहने पर मत जाना एकदम प्रैक्टिकली सोचना सपोज आपने सब कुछ पढ़ रखा है ए टू जेड आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं 20 फरवरी 2024 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी फॉर जनवरी 25 वाला अटेम्प्ट ठीक है अब 20 फरवरी से अगर हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो ट्वेंटी फरवरी को मैंने जो भी पढ़ाया था अगर वो आपने अभी तक बिल्कुल रिवाइज नहीं किया है तो क्या वो आपको आज याद होगा आप बोलो मैंने पूरा पढ़ तो रखा है लेकिन आज मैं उसमें से सवाल अगर पूछूंगा तो क्या आप उसको बता पाओगे आंसर इज नो राइट तो लास्ट ईयर हाँ लास्ट ईयर डिसंबर 23 में मैं फेस टू फेस मैराथॉन्स के लिए हम लोग सारे के सारे एजुकेटर्स गए हुए थे सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए और वहां पर कई सारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स मिले थे

कोई भी टॉपिक आपके टिप्स पर होना चाहिए और ये तो मई चौबीस की बात कर रहा था मैं दिसंबर तेईस की बात बता रहा हूं अभी हम जुलाई चौबीस में खड़े हैं और हम 24 के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो पढ़ाई कम होगी चलेगा लेकिन जो पढ़ा है उसका रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है जितने भी स्टूडेंट रिवीजन प्लानर को फॉलो कर पाते हैं उनको बहुत मजा आ चुका होता है जो नहीं कर पाते उनकी प्रॉब्लम अलग है ठीक है तो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस रिवीजन प्लानर एकदम कायदे से ठीक है ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आप इस वाले रिविजन प्लानर को आराम से फॉलो कर सकते हो ठीक है कमिंग बैक टू दिस रिविजन स्ट्रेटेजी कैसे हो गया अब देखो जो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक उनका रिविजन नहीं हो पाया है कोई बात नहीं आप अभी स्टार्ट कर सकते हो स्लोली ग्रेजुअली आप इसको स्टार्ट करो जो जो पढ़ते रहो उसका आगे का रिविजन प्लानर बनाओ और आप बहुत आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो बैकलॉग्स को लाइव क्लासेस के साथ साथ कैसे कवर किया जाए एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है तो दो चीजें मैं इसमें बोलना चाहूंगा इट्स हाईली इम्प्रैक्टिकल फॉर यू टू दैट यू क्विकली एंड स्टार्ट अटेंडिंग आपको रिवीजन प्लानर से पहले कि यार पढ़ाई करना ठीक है लेकिन रिवीजन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अब जिन स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स होते हैं वो यूजली क्या करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक दिन में चार चार पांच पांच लेक्चर्स देख लूंगा जिससे एटलीस्ट मेरा बैकलॉग कवर हो जाए और फिर मैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर पाऊं बहुत बड़ी गलती है ये आप मुझे एक बात बताओ आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो आपको समझ में तो आई रहे ना जो भी आपके बैकलॉग्स हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस ही तो हो गई ना एक तरह से और वो किसी है? वो की तो है। तो जो डाउट आपको टीचर ने उसका जवाब पक्का दिया होगा तो आप तो एक तरह से लाइव क्लास की ही तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो आपको डाउट तो आ नहीं रहे तो यहां पर ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो लाइव अटेंड करूंगा जल्दी जल्दी बैकलॉग्स कवर कर लेता हूं आप बैकलॉग्स में अच्छा खासा टाइम दो जितनी, जितनी इज्जत आप लाइव क्लासेस को देते हो उतनी ही इज्जत आपको बैकलॉग्स को भी देनी होगी तो मेरे हिसाब से दो से ज्यादा आपको किसी भी सब्जेक्ट के एक दिन में नहीं देखने चाहिए दो लेक्स मैक्सिमम है आइडियल टाइम टू तो कंप्लीट द बैकलॉग्स मैंने अभी बताया ऐसा कुछ नहीं है आइडियल टाइम टू कंप्लीट द बैकलॉग्स बैकलॉग्स बेसिकली आपकी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई है ठीक है तो आप आराम से दो दो लेक्चर्स एक दिन में देखो दो से ज्यादा बिल्कुल मत देखो एक एक देखो तो बहुत ही अच्छा है राइट कवरिंग बैकलॉग्स इन द ऑफ कॉलेज एग्जाम्स मेरे ख्याल से ये वाले पॉइंट की कोई नहीं है आपके कॉलेज वगैरह के सारे के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और बैकलॉग्स का रिविजन भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा मैंने रिविजन प्लानर में आप लोगों को बताया था ठीक है आप सुनो ये तो हो गई सारी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की बात जो लोग फिर से अपियर करने वाले हैं ठीक है जो लोग अभी फिर से अपियर करने वाले हैं एक अटेम्प्ट आपका हो चुका है दो अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं और अब आप कोई भी आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप कहां लैक कर रहे हो बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को ठीक है बहुत ध्यान से सुनना आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कहां लैक कर रहे हो यह आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हो सकता है आपने इमोशनल डिसीजन मेकिंग की हो इमोशनल डिसीजन मेकिंग क्या जो मैंने अभी इतनी देर से आपको सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स वाला ज्ञान दिया राइट कि अरे आ, मैं बोथ ग्रुप दे देता हूं ना क्या हो गया एग्रीगेट बन जाएगा मेरा एवरेज बन जाएगा कुछ भी इस टाइप का एक ग्रुप में अस्सी ले आऊंगा दूसरे ग्रुप में चालीस ले आऊंगा दूसरे एक एक पेपर में अस्सी ले आऊंगा दूसरे में चालीस चालीस ले आऊंगा नहीं वर्क करता बिल्कुल नहीं वर्क करता दूसरा लैक ऑफ रिविजन अगेन आई स्पोक अबाउट इट इन डिटेल राइट नाउ की पढ़ाई सब कुछ हुई हुई है रिविजन नहीं हुआ है इट right? तो एग्जाम में सिर्फ एक बार का पढ़ा हुआ काम नहीं आता है एग्जाम में रिवाइज कितनी बार किया है वो काम में आता है एंड तीसरी चीज लैक ऑफ मॉकटेस्ट पेपर अगेन आई स्पोक अबाउट इट इन डिटेल राइट नाउ इन द लास्ट हाफ एन आवर राइट तो मॉक टेस्ट पेपर्स आपको डेफिनेटली देने वो आपको बताएगा कि मॉक टेस्ट पेपर आपको एक्चुअली आपका आईना दिखाता है मॉक टेस्ट पेपर एक्चुअली आपको असलियत दिखाता है आईना होता ही ठीक है थीके? अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए क्या होना चाहिए ठीक है जिन लोगों ने अभी मे ट्वेंटी फोर दिया था अब सेप्टेंबर ट्वेंटी फोर में गो फॉर सिंगल ग्रुप ओनली प्लीज डू नॉट बी इमोशनल लेकिन सर मेरे तो अब देखो यहां पर क्या क्या सवाल आएगा कि सर एक ग्रुप में मेरे अच्छे मार्क्स आए दूसरे ग्रुप में तो मेरे फोर्टी फोर्टी सर मैं पास हो गया था हर पेपर में लेकिन मेरा ना एग्रीगेट ही नहीं बन पाया तो मैं तो बोथ ग्रुप दे सकता हूं सर प्लीज बिल्कुल इमोशनल मत हो ध्यान रखो मे में, में एग्जाम दिया था मे से लेकर जुलाई में अच्छा खासा टाइम बीत चुका है राइट right? एक ग्रुप की तैयारी आप अच्छे से करो दूसरा ग्रुप अगर आप देने चलोगे तो दूसरे ग्रुप में ध्यान रखो कि आपको 40 मार्क्स अगर आपने स्कोर किए था तो आपको सिर्फ 10 नंबर और स्कोर नहीं करने 50 आपको पूरे के पूरे 50 स्कोर करने हैं ना हर पेपर में तो ये आपको डिफरेंशियल मार्क्स थोड़ी स्कोर करने हैं एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो ये थोड़ी देखेगा अरे चल ठीक है मे चौबीस में इसको चालीस नंबर मिल गए थे अभी तो मैं दस नंबर भी दे दूंगा तब भी यह पास है एग्जामिनर ऐसा तो नहीं सोचता ना एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क्स देखेगा ना आपके कि इस अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आएंगे राइट right? तो प्लीज डू नॉट बी इमोशनल प्लीज डू नॉट बी इमोशनल यहां पर मैक्सिमम रीजन जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रीजन होता है ना फेल होने का इंटरमीडिएट और फाइनल में वो होता है इमोशनल इतना इमोशन भर जाते हैं ना इतना सब कुछ हो जाता है मे ट्वेंटी में अगर आपने एक बार अटेम्प्ट दिया हुआ है और आपका रह गया है तो भाई सेप्टेंबर ट्वेंटी में आप सिंगल ग्रुप दो हां अगर कोई इक्का दुक्का कोई रेयर केस हो जाए जिसमें हर पेपर में आपके सिक्सटी प्लस आए थे तो बात अलग है ठीक है कि सपोज आपके ग्रुप में दो पेपर्स में 60 प्लस आ गए सपोज आपके ग्रुप में में दो पेपर्स 60 प्लस आ गए तो अब आपको देना ही नहीं है तो आपको सिर्फ दो ग्रुप तो आपको सिर्फ दो पेपर्स देना तब की बात अलग है ठीक है उतनी कॉमन सेंस आप लोगों को लगानी होगी लेकिन यहां मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका दूसरे ग्रुप में बस बॉर्डर लाइन पास हुए थे और फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं अब तो मैं फाड़ दूंगा ठीक है तो भाई थोड़ा सा आराम से एक ग्रुप दो सेप्टेंबर में जनवरी दूर नहीं है जनवरी में दूसरा ग्रुप दे देना ठीक है अब इनके लिए पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होगी तो रिवाइज दो टॉपिक्स इन ऑल द फर्स्ट इन विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल राइट सपोज मैं टैक्सेशन के बारे में अगर बात करता हूं तो टैक्स में इनकम टैक्स में कई सारे टॉपिक्स हैं। हो सकता है कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले उसको रिवाइज करके निपटाओ यहां पर कई सारे लोग गलती क्या करते हैं यहां पर लोग उठाते हैं वो टॉपिक जिसमें वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उनको फील होता है ये नहीं करना है ये नहीं करना है ये एग्जाम है आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है आपको अपना वो नहीं दिखाने का अरे तू मैं मैं फा अरे नहीं भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है डीटी में अगर आपको कोई टॉपिक सबसे टफ लग रहा है बाद के लिए छोड़ो भाई उसको अभी बात क्या है अभी बात यह है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है वापस से 24 में हुआ है। इस बार क्लियर नहीं हो पाया है अब आपको वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा जब आप रोज आपके दिमाग में ये वाली चीज आएगी कि मुझे पूरा पूरा रिवाइज करना बाकी है तब कॉन्फिडेंस गेन होगा या जब रोज सुबह आप उठोगे और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह दिमाग में आएगा कि वाह इस सब्जेक्ट के मैं एटलीस्ट चार चैप्टर्स रिवाइज कर चुका हूं वेन विल यू फील मोर कॉन्फिडेंट आंसर टू योर एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली ठीक है आप रोज सुबह उठ के अगर आपके दिमाग में ये हिट होता है कि अच्छा सपोज टैक्सेशन है टैक्सेशन में डीटी के पांच चैप्टर्स हो मुझे पूरी तरह से याद है पूरी तरह से मैं रिवाइज कर चुका हूं आप तब ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे या आप तब कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठोगे और आपके दिमाग में आएगा यार अभी तो इतने सारे चैप्टर्स का रिविजन करना बाकी है वेन विल यू फील मोर कॉन्फिडेंट डेफिनेटली यूल फील मोर कॉन्फिडेंट वेन यू नो कि हाँ इस सब्जेक्ट के चार पांच टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं तो जिन टॉपिक्स में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठा के रिवाइज करो फिर आप बाकी बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स को आप टेकअप करोगे ठीक है रिविजन प्लानर बनाते रहना एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन फॉलोइंग इट मुझे जितना बताना था हो चुका है अब आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है उनको मैं यहां पर ले रहा हूं आई कैन सी अड ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है तो uh, मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूं यहां पर देखो इस बार मैंने दोनों ग्रुप्स में मेरे दोनों ग्रुप्स में हर सब्जेक्ट में 40 अब आए थे क्या मैं फिर से दोनों ग्रुप नहीं दे सकता या दे सकती नहीं ठीक है हर सब्जेक्ट में आपके फोर्टी आए थे वेरी गुड अब आपको सिर्फ दस दस नंबर नहीं लाने अब आपको पूरे पचास पचास नंबर लाने ठीक है तो कंग्रेचुलेशन आपके हर सब्जेक्ट में 40 40 मार्क्स आ गए आप क्लियर हो गए हर सब्जेक्ट में आप पास हुए कॉन्ग्रेचुलेषंस बट उसके कोई मायने ही नहीं है उसका कोई मायने नहीं है आप ले हो 40 चालीस उसका क्या फर्क पड़ता है राइट तो जब आप अभी सितंबर के लिए देने जा रहे हो

अटेम्प्ट स्किप किया ना तो ये एक आदत बन जाएगी एंड इन एवरी अटेम्प्ट अनकॉन्शियसली यूल स्टार्ट लुकिंग फॉर टू स्किप दैट अटेंट ठीक है तो अभी आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अगले अटेम्प्ट में आपके आपको अगर हल्का सा सर दर्द भी होगा ना तब भी आपको लगेगा यार मेरी ना तबियत ठीक नहीं है अगला दे देता हूं एक बार अगर अटेम्प्ट छोड़ना छो, एक बार अगर आपने अटेम्प्ट छोड़ दिया भाई ये कब आदत बन जाएगी ना पता नहीं चलेगा तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट तो स्किप नहीं करना है बोथ ग्रुप देने का बहुत ज्यादा मन है कोई फर्क नहीं पड़ता बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट मेरा एक ग्रुप कंप्लीट है अच्छे से मैं उसका रिवीजन कर लूंगा और दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्या मैं एक ग्रुप प्लस वो एक दूसरे सब सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप का कर लू जिससे मुझे एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन आ जाए वी स्पोकन इन इन डिटेल अबाउट इट द लास्ट ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है 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 क्योंकि उसका उसका कोई कोई पॉइंट ही ही नहीं है, उसका कोई फायदा ही नहीं फायदा ठीक है ठीके? मुझे आर्टिकलशिप बिग फोर में ही करनी है मैंने सुना है वहां बोथ ग्रुप्स वालों को ही लेते हैं एक सबसे बड़ा मिथ तो यही है ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकलशिप में बोथ ग्रुप्स वालों को ही लेते हैं आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू सेटअप करवाना वो थोड़ा सा इंटरनल गेम होता है कि आप इंटरनली अगर किसी को जानते हो आपका कोई कांटेक्ट है तो वो आपका इंटरव्यू सेटअप करवा सकता है इंटरव्यू क्लियर करना आपके ऊपर है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए तो उसको आर्टिकलशिप पे इंटरव्यू उसको आर्टिकलशिप वहां पर बिग फोर में मिली जाएगी ठीक है बिग फोर में आर्टिकलशिप इंटरव्यू के बेसिस पर मिलती है बिग फोर में जॉब इंटरव्यू के बेसिस पर मिलती है तो अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है या नहीं की है इट ऑल्सो मैटर ठीक है तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकलशिप बिग फोर में ही करनी है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ठीक है थीके? मेरा यह मानना होता है कि आर्टिकलशिप आपको स्मॉल फर्म या मीडियम फर्म से मीडियम साइज फर्म से करनी चाहिए उसमें आपको हर एरिया का एक्सपर्टीज मिल जाते हैं हर एक एरिया का एक्सपोजर आपको मिल जाता है तो यू गेट टू नो कि हर एरिया में किस टाइप का काम होता है एंड वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन यू कैन गो फॉर बिग फोर ठीक है तो इसलिए इसका बिल्कुल आ, लोड लेने की जरूरत नहीं है दूसरा सिंगल ग्रुप वाले ही बिग फोर में आर्टिकलशिप सिंगल ग्रुप वाले भी आराम से बिग फोर में बिग फोर में आर्टिकलशिप कर सकते हैं ठीक है थेके? कंक्लूजन क्या हो गया सिंगल ग्रुप दो एक टाइम पे सिंगल ग्रुप देने से आप कम चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन जाओगे यू कैन स्टिल वर्क एट बिग फोर एंड मेक अ बिग नेम फॉर येल्फ सक्सेस कैन ओनली बी अचीव इफ यू वर्क हार्ड वेरी हार्ड कंसिस्टेंटली दिस हार्ड वर्क विल इवेंचुअली टर्न टू स्मार्ट वर्क इवेंचुअली ये हो जाएगा क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करोगे तो फिगर आउट वेज कि उसको आप स्मार्टली कैसे काम कर सकते हो अभी स्टार्ट करो और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो यहां पर आप कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हो यहां पर चार्ट में कई सारे लोग फास्ट ट्रैक बैच के बारे में पूछ रहे हैं यस फास्ट ट्रैक बैचेस मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है आप एकाग्रता डॉट को डॉट इन की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां पर देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूं अभी ठीक है आप एकाग्रता डॉट को डॉट इन की वेबसाइट पर जाओगे इंटरमीडिएट पर आओगे लेक्चर्स पर आओगे यहां आपको फास्ट ट्रैक बैचेस दिख जाएंगे ठीक है अंशुल सर मैं और आदर्श सर हम तीनों का ये कॉम्बो बैच है इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ये अंशुल सर का एडवांस अकाउंट्स का अगर आपको इंडिविजुअल लेना है ये आदर्श सर का लॉ का फास्ट ट्रैक है अगर आपको इंडिविजुअली लेना है और अगर और ये मेरा टैक्स का फास्ट ट्रैक है अगर आपको इंडिविजुअली लेना है फास्ट ट्रैक बैचेस में आपको बुक्स प्रोवाइड होंगी हार्ड बुक्स हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स आपको मिलेंगी सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स भी हम लोग देंगे समरी करवाएंगे कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे लेकिन ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी फास्ट पर मूव करेंगे ठीक है दैट इज इट राइट तो आई आई थिंक हैव टेकन अप एवरीथिंग और अगर अभी भी आपके कोई भी सवाल हैं तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई पर्सनली आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स ठीक है विश यू गायज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बिल्कुल चिंता मत करो बहुत आसानी सेप्टेंबर ट्वेंटी फोर वाला अटेम्प्ट आप लोग फोड़ के आ सकते हो ठीक है थैंक यू टेक केयर बाय